आजकल मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज में बनाए गए होते हैं। आजकल कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP आदि आदि। सभी लैंग्वेजेस के अपने अपने अलग अलग फीचर्स और यूजेबिलिटीज होती हैं। हमें क्या डेवलप करना है इसी के बेसिस पे प्रोग्रामर्स डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। लैंग्वेज में दिन ब दिन नए नए अपडेट्स होते रहते हैं। ऐसी ही एक लैंग्वेज है पाइथन। आज 2 अगस्त 2020 है और अगर हम गूगल ट्रेंड्स पे पाइथन का कंपैरिजन बाकी लैंग्वेजेस से करें जैसे जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP आदि, तो हम देख सकते हैं कि जो पाइथन है वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और इसका मार्केट शेयर 3.73% है। इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये लैंग्वेज कितनी पॉपुलर है। तो आइए जानते हैं कि पाइथन क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर है। पाइथन एक इंटरप्रेटेड जर्नल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज़ होता है ना कि कंपाइलर। इंटरप्रेटर का मतलब है कि ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर क्या होता है कि जिसमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को पहले रीड किया जाता है बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पाइथन को नीदरलैंड्स में गीडो वान रॉसम ने 1980 में इन्वेंट किया था। तब से अब तक इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। पाइथन की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न है इसका आसान लैंग्वेज होना। इसका कोड आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। इसके अंदर अपनी इनबिल्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिससे प्रोग्रामर का काम और भी आसान हो जाता है। पाइथन में हमें बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है और हमें आउटपुट ज़्यादा मिलती है। अगर हम इसको जावा के साथ कंपेयर करें तो जैसे आप देख रहे हैं कि जावा में अगर हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड तो हमें इतना सारा कोड उसके अंदर लिखना पड़ेगा। अगर यही काम हम पाइथन में करना चाहते हैं तो हमें एक लाइन में ही ये काम जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पाइथन के मेन फीचर्स के बारे में। सबसे बड़ा फीचर है सिंपल लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में काम करना बहुत ही आसान है। इसका कोड आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। अगला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके ज़रिए हम कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं और क्लासेस और इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला फीचर है रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर बहुत सारे इनबिल्ड मॉड्यूल्स और फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से प्रोग्रामर कई तरह के एक्शंस को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अगला फीचर है डेटाबेस सपोर्ट। पाइथन ऑलमोस्ट सब तरह के डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है जैसे ओरेकल है, साइबेस है, MySQL है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला फीचर है GUI प्रोग्रामिंग। पाइथन में हम किसी भी तरह का GUI प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं लाइक किंटर या क्यूटीफाइव डिज़ाइनर्स। अगला फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि पाइथन में बनाए हुए प्रोग्राम को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाहे वो विंडो है, मैक है या लिनक्स है, आपका पाइथन का बनाया हुआ प्रोग्राम हर एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉपरली काम करेगा। आगे है कि पाइथन में हम क्या डेवलप कर सकते हैं। पाइथन में कई तरह के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप किए जा सकते हैं जैसे डायनामिक वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, GUI एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग्स और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डाटा एनालिसिस के लिए भी पाइथन को यूज़ किया जाता है। पाइथन लैंग्वेज हैकर्स की आजकल पहली पसंद भी है
क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनाना बहुत ही लेंथी पड़ता है, मगर वही प्रोग्राम पाइथन में हम बहुत कम समय में इजीली बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन को आजकल इंडस्ट्री में कौन यूज़ कर रहा है। सबसे पहले आता है गूगल। गूगल के जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं, इसमें गूगल पाइथन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इसके अलावा है यूट्यूब। यूट्यूब की जितनी भी शेयरिंग सर्विसेज हैं, ये भी पाइथन में ही डेवलप की गई हैं। इसके अलावा ड्रॉपबॉक्स शेयरिंग सर्विसेज, इसको भी पाइथन में ही डेवलप किया गया है। यूएसए की एक कंपनी है आई रोबोट्स, ये आर्मी के रोबोटिक्स प्रोग्राम्स बनाने का काम करती है, तो इसमें भी रोबोट्स बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नासा अपने रॉकेट प्रोग्राम्स में एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि पाइथन लैंग्वेज क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और इसे सीखने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं या इसमें कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इन केस ऑफ एनी सजेशंस, काइंडली ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी शैल बी ग्लैड टू लिसन फ्रॉम यू। माय नेम इज़ विपिन कपूर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।